अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी, आबाद से होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है जी एक स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि आज है ईद उल अदहा, यानी कि आज का दिन मींस कुर्बानी का दिन। तो मैंने इसी दिन के मौके पे एक ब्लॉग भी बनाया है, तो उम्मीद है ये ब्लॉग एक मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, उम्मीद है। और ब्लॉग को देखने से पहले आप लोग इस ब्लॉग को एक लाइक करके इंजॉय करिएगा। ओके गाइस, सुबह सुबह आ चुका है जी हमारा कुर्बानी का गोश्त भी, और बाद में हो सके तो हम इन्हें लेके जाएंगे सीधा तुज्जी बनाने के लिए। यस गाइस, सो गाइस अभी मैं जा रहा था, रोड पे पहुंचते ही ये भी मेरे पीछे आ रहा था, तो अभी फिर से इसे घर पे रखने के लिए जा रहा हूँ। क्यों आया था वो रोड पे? हाँ, तुम कहाँ गए थे वो? हाँ, मैं वहाँ बैठा था। कहाँ बैठा था? अरे तू रोड पे गए थे ना, वो तू रोड पे गए थे कि नहीं? रोड पे गए थे कि नहीं? हाँ, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं जी वहाँ पे कुर्बानी के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो सरफराज? कुर्बानी के लिए, मस्जिद के लिए जा रहे हैं। मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जी, कि किसी ने वहाँ पे कुर्बानी निकाला है तो वहाँ पे बुलाया है पूरे गांव को, गांव को नहीं मतलब हमारे मोहल्ले को वहाँ पे बुलाया है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जी। सो गाइस अभी हम लोग फिर से वापस आ चुका है जी घर पे, सीधा घर पे वापस आ चुका है। अभी हम दोनों जा रहे हैं और आगे हमारे दो बंदे आगे जा चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी तुज्जी लगाने के लिए दरिया के किनारे। और यहाँ पे हमारे मुदस्सिर भाई के हाथ में जितने भी आप लोगों को जो हथियारे दिख रहे हैं ना, वो सब हमारे तुज्जी लगाने का मेन हथियार है, हथियार ही बोल सकते हैं हम लोग। पर हम लटकाएंगे अपने, हाँ, इसके ऊपर हम तुज्जियों को हम इस पे लगा लटकाएंगे, और उसके बाद आग पे लगा कर बिल्कुल पका कर खाएंगे। और आज छुट्टी भी है तो बस हमें बहुत मज़ा आएंगे। और एक बात कहना भूल गया आप, यहाँ पे इसने शीजवान भी उठा कर लाया है, और जो पीछे मेरे बैग में जो तुज्जी का मेन सामान, तो मेरे बैग में सब कुछ। और कुछ इस तरह के जंगल से हम लोग जा रहे हैं दरिया के किनारे। और आप सभी लोगों को ईद मुबारक। मुदस्सिर भाई, हाँ जी, ईद मुबारक नहीं कहना चाहते हो आप? तमाम नाज़रीन को मेरे तरफ से ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक गाइस, आज ईद उल अदहा के मौके पे हम लोग जा रहे हैं जी तुज्जी लगाने के लिए। सो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी अपने डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन, और हमारे दो बंदे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम अभी भी जा रहे हैं दरिया के किनारे से। तो चलिए गाइस चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आ गया था, और ये देख सकते हो इतने गंद फैला के चला जो गंद फैला कर जा चुके हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे कुत्ते वगैरह भी आ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं। हम पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे आए थे, बट उस वक्त में ब्लॉग नहीं बना पाए थे, नहीं बना रहा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये देखो, इसने बहुत बड़ा लकड़ी लेकर आया। सुखी है ना वो? सुखी है ना? ऐसे ही उठा के मत लाओ, जलाने के लिए आसान हो जाएगा। सुखी है तो जलाने के लिए हमें बहुत आसान हो जाएंगे। तो अभी हम कुछ इस तरह के डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं गाइस। और यहाँ पे हमारे कहाँ पे हो? यहाँ पे है हमारे दो बंदे, ये देख सकते हो हमारे मुजम्मिल भाई, जो कि पहली बार देहाती जिंदगी। ये जुल्फी ये बहुत शर्माते हैं ये। और यहाँ पे हम हमारे डेस्टिनेशन जो यहाँ पे है, और हम यहीं पे अपना तुज्जी बनाएंगे। दोस्तों, ऑलमोस्ट जितने भी गोश्त थे हम लोगों ने, यहाँ पे थोड़ा सा बचा है ये सब हड्डी है गाइस। और यहाँ पे जितने भी हमारे गोश्त थे वो सब हम लोगों ने तुज्जी के फॉर्म में ला दिया है। तुम
फाइनली गाइस ये मिक्स हो चुका है गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। मिल भाई यहाँ पे लटका रहा है तुझी को एक एक करके अपने क्या बोलते हैं उस पे। यहाँ पे आग बिल्कुल जल के ऐश बन चुका है, ऐश बन चुका है, ऐश सोलबा ऐश मिल जाता ची सोलबा जो है वह। और यहाँ पे हमारे दो बच्चे जो है वो यहाँ पे नहा रहे हैं, भी आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस कहाँ पे गया ये लोग। यहाँ पे दोस्तों गहराई बहुत हो सकता है यहाँ पे, और ये लोग यहाँ बाहर से नहा रहा है। ओ जुल्फी दिया छैन तो दिया छैन तो सो अंगरे सो गाइस ये दोनों डर रहा है गाइस, ये दोनों यहाँ जाने में डर रहे गाइस दोनों। और यहाँ बहुत गहराई भी हो सकता है, तो अभी बहुत हवा चल रही है तो मुझे नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट ये लोग फोर्स कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं नहाऊंगा गाइस। हमारे मुजम्मिल भाई वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं हमको कि वहाँ पे आओ बोल के, तो अभी हम वहाँ पे जाके तुझी को आग पे लगा के अच्छे से पकाएंगे गाइस। और आप लोग बस ब्लॉग इंजॉय करिएगा और बस ओके गाइस। बसीर भाई क्या कर रहे हो सर? यहाँ टी मुदसर भाई जुलूम स्टोक दे दिया बस मजे बस चित्तू जी दिया दान इंदु। यहाँ से हमारे जुल्फी भाई यहाँ से आ रहे हैं दाड़ी गले जुलूम स्टोक पर नहीं। और वहाँ पे हमारे मुजम्मिल भाई तुझी को वहाँ पे लटका रहे। सो गाइस हमारा तुझी फाइनली रेडी हो चुका है, बन के बिल्कुल तैयार, ये देख सकते हो आप लोग। कैसा बना है मुदसर भाई? बहुत बढ़िया। कैसा बना है? बहुत बढ़िया जुल्फी भाई, टेस्टी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। गाइस अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, खाना वाना तुझी विज्जी का खा खा के फिर से घर की तरफ रवाना हो चुका है गाइस। दरिया के किनारे से भी हम जंगल से बिल्कुल डरावना जंगल से जा रहे हैं अपने घर के। तो गाइस अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं जी, और मैंने पहले एक टेंट लाया था जो कि आप लोगों को दिखाना भूल गया, और अभी मैं आप लोगों को टेंट दिखाने के लिए जा रहा हूं। और मैंने ये टेंट जो है कैंपिंग के लिए लाया है, और कैंपिंग के लिए ही लाया है। और ये देख सकते हो आप लोग कुछ ऐसा टेंट है, सिर्फ इसमें दो लोग ही आ सकते हैं गाइस। और कैंपिंग के लिए सोच कर मैंने ये ला लिया है 1000 रुपये देकर। चलो अभी हम इसे अच्छी तरह से खोल कर देखेंगे कि कितने बंदे आ जा सकते हैं इसमें। और चलिए गाइस ओके, तो गाइस हम इस टेंट को अच्छी तरह से निकाल के देखेंगे कि कितना बड़ा है। ओके गाइस यही है हमारा टेंट, इसमें सिर्फ दो लोग ही आ सकते हैं, बिल्कुल दो लोग मजे से बैठ सकते हैं इसमें, और ये कैंपिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके गाइस बाहर से इसका लुक कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कोई खिड़की वगैरह नहीं है यार, मुझे थोड़ा दिक्कत है। ऊपर थोड़ा सा है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन साइड से कोई खिड़की वड़की नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, बट बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कुछ हुक्स भी दिया है गाइस,
ये यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे बाहर कहीं जाएंगे तो हम उस वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ये हवा से इधर उधर ना हो जाए। तो बाकी सब कुछ ठीक लगा मुझे, ठीक है ना सरफराज भाई, सब कुछ फर्स्ट क्लास। ओके तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और व्लॉग में। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, मिलते हैं आप लोगों से कुछ और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।